गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सब। तो अपन ने पहले फर्स्ट जो पहला पार्ट था उसमें अपन ने अलैंगिक जनन है उनके बारे में देखा था, और साथ साथ में अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में भी, जनन की परिभाषा क्या होती है, जनन के क्या उद्देश्य होते हैं, जनन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जनन के दो प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर अपन ने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर देखा। फिर उसके बाद अपन ने लाइफ स्पान के बारे में देखा, जीवन अवधि के बारे में देखा। फिर जीवन अवधि भी अलग अलग जीवों की अलग अलग प्रकार की होती है। फिर उसके बाद अपन ने देखा जीवन चक्र के बारे में देखा। जीवन चक्र भी अपन ने मनुष्य के जीवन का जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करा। इस प्रकार से ये वाली चीज अपन ने देखी। उसके बाद अपन ने अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था। अलैंगिक जनन के जो प्रकार थे उसमें फर्स्ट अपन ने देखा था खंडन क्या होता है, खंडन में किस प्रकार से नया जीव बनता है। खंडन के बाद अपन ने विखंडन के बारे में देखा था। फिर विखंडन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जो विखंडन होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। विखंडन भी दो प्रकार का होता है, एक तो द्वि विखंडन होता है और एक बहु विखंडन होता है। द्वि विखंडन के बारे में भी अपन ने पूरा डायग्राम भी बना लिया था और उसके बारे में डिस्क्राइब भी लिख लिया था, एग्जाम्पल भी लिख लिए थे, ठीक है। उसके बाद में बहु विखंडन अपन ने देखा था। बहु विखंडन एनसीईआरटी में इतना नहीं दे रखा है, फिर भी अपन ने थोड़ा एक्स्ट्रा नीड के हिसाब से देखा है। जो उसके बाद अपन ने देखा है कि बहु जो विखंडन है, बहु विखंडन में किस में होता है, उसका क्या डायग्राम है, उसकी क्या पूरा लैंग्वेज अपन ने पूरा डिस्क्राइब देखा। ये होने के बाद अपन ने जो तीसरा चलता है वो मुकुलन आता है। तीसरा अपन ने क्या होता है, मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, जब कोई भी जीव होता है उस जीव की बाहरी सतह पर, जब किसी जीव की बाहरी सतह पर एक अतिवृद्धि क्या बने, एक अतिवृद्धि बने, एक आउटग्रोथ बने, एक बहिर्वृद्धि बने, जब किसी जीव की बाहरी सतह पर एक अतिवृद्धि समान संरचना बने, जिसे अपन मुकुल बोलते हैं। क्या बने, एक अतिवृद्धि समान संरचना बने जिसे मुकुल बोलते हैं, और जो मुकुल होता है ना उस मुकुल के बनने की प्रक्रिया को मुकुलन कह सकते हैं। ध्यान में रखना, जो बहिर्वर्ती होगी वो अंदर की ओर भी बन सकती है और बाहर की ओर बन सकती है। बहिर्वर्ती बाहर की ओर बनेगी तो बहिर्जात मुकुलन कहलाएगा, और बहिर्वर्ती अंदर की ओर बने तो वो फिर अंतर्जात मुकुलन कहलाएगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो मुकुलन है उसमें जो बाहर की वृद्धि बन रही है उसे मुकुल बोल रहे हैं। मुकुल के बनने की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। फिर उसके बाद बनते हैं कि ये जो मुकुल बन रहा है ये जीव की सतह पर से जुड़ा रहता है, वहां पर ही परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद ये मुकुल वहां से अलग होता है, अलग होकर के नया जीव बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये मुकुल वहीं परमानेंट जुड़ा रहे, परमानेंट जुड़ा रहेगा तो इस अवस्था को अपन टोरुला बोलते हैं, और टोरुला के बनने की क्रिया को टोरुलेशन कहते हैं। ऐसा अपन ने इसमें देखा। देख लेना दोबारा एक बार, मुकुलन अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें जनक की बाहरी सरफेस पर, मतलब आउटर सरफेस पर अतिवृद्धि बनती है या अतिवृद्धि होती है, जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल के बनने की क्रिया को मुकुलन कहते हैं। और ये प्रारंभ में ये कलिकाएं क्या होती है, जनक की सतह से जुड़ी होती है, बाद में परिपक्व होकर के अलग हो जाती है और नया जीव बनाती है। लेकिन कभी कभी ये कलिकाएं क्या हो रही है, मुकुल क्या, जनक से परमानेंट जुड़ी रहती है, स्थायी रूप से जुड़ी रहती है, अलग नहीं होती है, और इस अवस्था में एक कॉलोनी का निर्माण होता है जिसे टोरुला बोलते हैं, और टोरुला के बनने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, टोरुलेशन कहते हैं, ठीक है। मुकुल की परिभाषा अपन ने दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है सब चीजें। हाइड्रा और इसमें कलिका के द्वारा या मुकुल के द्वारा क्या होता है, जनक अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन होता है। उसके बाद जो स्पंज होता है उसमें जेम्यूल के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद अलैंगिक जो मुकुल होता है, जो मुकुलन होता है वो दो प्रकार का होता है। जो मुकुलन होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला है बहिर्जात मुकुलन और दूसरा है अंतर्जात मुकुलन। बहिर्जात मुकुलन में क्या होगा, बहिर्जात मुकुलन में क्या होगा कि इस प्रकार के मुकुलन में,
इस प्रकार के मुकुलों में कलिकाएं क्या बनेगी, जीवों की बाहरी सरफेस पर बनेगी। इस प्रकार के मुकुलों में क्या होगा, बहिर्जात मुकुलों में क्या होगा, जो कलिकाएं बनेगी वो जीवों की बाहरी सतह पर बनती है, इसलिए इसे बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। और बहिर्जात मुकुलन का एग्जाम्पल होता है हाइड्रा, इस्ट और साइकोन। ठीक है, आया समझ में कुछ? हाँ स्टूडेंट्स, आ गया ना समझ में मुकुलन के बारे में? तो अब मुकुल का डायग्राम मुकुलन है ना, मुकुलन के डायग्राम के बारे में समझ लो आप। अपन ने देखा बहिर्जात जो मुकुलन था ना, बहिर्जात मुकुलन में आपके हाइड्रा में बहिर्जात का मुकुलन का डायग्राम है और ईस्ट में बहिर्जात का मुकुलन का डायग्राम है। हाइड्रा का शरीर है, हाइड्रा के शरीर पर भी एक छोटी अतिवृद्धि समान संरचना बन रही है बाहर की ओर। ये अतिवृद्धि थोड़ी बड़ी होगी, विकसित होगी, और विकसित होकर के फिर ये हाइड्रा से, जनक हाइड्रा से, मातृ हाइड्रा से अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जनक हाइड्रा से अलग हो जाएगी, अलग होकर के न्यू हाइड्रा का निर्माण कर लेगा, पुत्री हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार से हाइड्रा में बहिर्जात मुकुलन होगा। इसी प्रकार से जो इष्ट है, इष्ट में भी बहिर्जात मुकुलन होगा। इष्ट में भी केंद्रक होता है, रिक्तिका होती है, दोनों में क्या होगा, फले अतिवृद्धि बनेगी, अतिवृद्धि बनेगी तो उसे मुकुल बोलते हैं। फिर उसके बाद केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होकर दो भागों में केंद्रक विभाजित हो जाएगा, और विभाजित होकर के अलग से केंद्रक सेपरेट हो जाएगा। फिर ध्यान में रखना, जो जनक कोशिका है, जो मातृ कोशिका, उसमें संकुचन होगा, उसमें संकीर्णन होगा, संकीर्णन के पश्चात क्या होगा, ये कोशिका अलग हो जाएगी और मातृ कोशिका से क्या हो जाएगी, मातृ कोशिका से क्या होगी, जुड़ी रहेगी या अलग हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें गुणन की प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब इस प्रकार से क्या होता है, अलैंगिकरण की प्रक्रिया चलती है। तो इष्ट में बहिर्जात मुकुलन का डायग्राम ये हो जाएगा और हाइड्रा में बहिर्जात का मुकुलन का डायग्राम हो जाएगा। आगे रखा मैं समझ में। सेकंड पॉइंट है अंतर्जात मुकुलन, सेकंड पॉइंट है अंतर्जात मुकुलन। फर्स्ट मुकुलन था बहिर्जात मुकुलन। जो अंतर्जात मुकुलन है, अंतर्जात का अपना आप ये अर्थ लग रहा है, अर्थ अपना महसूस हो रहा है कि अंतर्जात मतलब अंदर की ओर मुकुलन होगा, मतलब ऐसा मुकुलन जिसमें अंदर की ओर कलिकाएं बनती हो, मतलब जिसमें मुकुल कहाँ बने, अंदर की ओर बने, और जो कलिकाएं बनेगी उनको जेम्यूल कहा जाता है। जो अंदर की ओर कलिकाएं बनेगी उनको जेम्यूल कहा जाता है, मतलब आप कह सकते हो कि जब मुकुल का निर्माण शरीर के अंदर होता है तो ऐसी कलिकाओं को आंतरिक कलिकाएं या जेम्यूल कहा जाता है। अब क्या होता है, जो जेम्यूल का निर्माण होता है वो स्पंज में होता है। जेम्यूल का निर्माण कहाँ होता है, स्पंज में होता है। अब वो स्पंज स्वच्छ जल के स्पंज हो सकते हैं और कुछ समुद्री स्पंज होते हैं। इनमें क्या होता है, बाहर की ओर एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, और सुरक्षात्मक जो आवरण होता है ना, उस सुरक्षात्मक आवरण के अंदर की ओर एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे आर्कियोसाइट कहा जाता है। और ये आर्कियोसाइट ही क्या होती है, जब अनुकूल परिस्थितियां आती है उस अनुकूल परिस्थितियों में इस माइक्रोपाइल के द्वारा, इस छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है और बाद में वापस कॉलोनी का निर्माण करती है। तो आप कह सकते हो कि स्वच्छ जलीय और समुद्री स्पंज होते हैं, उनमें जो मुकुल का निर्माण होता है वो जनक शरीर के अंदर होता है जिन्हें जेम्यूल कहते हैं। ऐसी जो मुकुल होती है उसको जेम्यूल कहते हैं, और जेम्यूल क्या होता है, एक सुरक्षात्मक आवरण के द्वारा घिरा होता है, और इस आवरण के अंदर विशिष्ट कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिन्हें आर्कियोसाइट कहते हैं। ये आर्कियोसाइट होती है अनुकूल परिस्थितियों में माइक्रोपाइल के द्वारा शरीर से बाहर निकलती है एवं बाद में नई कॉलोनी का निर्माण करती है। जैसे स्पंज एग्जाम्पल हो जाएंगे स्पोंजिला, साइकन,
हायलोनेमा और हिमलेक्टिला। अब ये स्पंज जेम्यूल का आपके स्पंज में जो जेम्यूल बनता है उसका डायग्राम है। जो स्पंज में जो जेम्यूल बनता है उसमें सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, बाह्य झिल्ली कहलाएगा, उसके अंदर की ओर आंतरिक झिल्ली कहलाएगी और दोनों के बीच में स्पेस है। उसमें क्या पाए जाते हैं, मोनोहेक्सोन स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मोनोहेक्सोन स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। और जो आंतरिक झिल्ली होती है उस आंतरिक झिल्ली से परिबद्ध क्या पाए जाते हैं, कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे आर्कियोसाइट्स कहते हैं। यह आर्कियोसाइट्स क्या होते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में क्या होती है, माइक्रोफाइल छिद्र के माध्यम से बाहर निकलती है, बाहर कर निकल करके नए जीव का निर्माण करते। इस प्रकार से अंतर्जात अनुकूलन आपका फिनिश होता है। ठीक है, आया समझ में। अगला पॉइंट आता है पुनरुद्ध भवन। अगला पॉइंट कौन सा आता है भाई, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में क्या होगा, यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इसके द्वारा जो भी पार्ट कोई भी शरीर का भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसमें क्या होता है, क्षतिग्रस्त अंगों की क्या होगी, मरम्मत होगी, रिपेयरिंग होगी और साथ में जो भी खोए हुए अंग होगा उसके द्वारा पुनः नए अंगों का निर्माण होगा। मतलब इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत होगी और खोए हुए अंगों का पुनः निर्माण होगा। तो आप कह सकते हो कि इसमें रिपेयरिंग का काम भी हो रहा है और जो भी खोए हुए अंग है उनका भी निर्माण हो रहा है। तो ध्यान में रखना, जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है ना वो प्लेन एरिया में सबसे अधिक होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है ना वो प्लेन एरिया में सबसे अधिक होती है और इसको चाकू की धार पर विभाजित होने वाला प्राणी भी कहा जाता है। चाकू की धार पर विभाजित होने वाला प्राणी भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, हाइड्रा में पुनरुद्भवन के बारे में सबसे पहले अब्राहम ट्रिम्बले ने बताया। हाइड्रा में पुनरुद्भवन के बारे में सबसे पहले अब्राहम ट्रिम्बले ने बताया और इनके अनुसार हाइड्रा को 1.7 mm के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। हाइड्रा को जब 1.7 mm के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा वापस नया प्राणी को उत्पन्न करता है। तो इस वजह से हाइड्रा और प्लेन एरिया क्या दर्शा सकता है, पुनरुद्भवन को दर्शा सकता है और इसके द्वारा प्रत्येक नए जीव का निर्माण हो सकता है। हाइड्रा और प्लेन एरिया को क्या किया जाए, जितने भागों में इसको तोड़ा जाएगा तो प्रत्येक भाग के द्वारा, प्रत्येक टुकड़े के द्वारा नया जीव का निर्माण होगा। यह हुआ प्लेन एरिया में पार्ट के द्वारा नया जीव। और साथ साथ में छिपकली की पूंछ को, तारा मछली की भुजा को, सेलामेंडर का पैर कट जाए और बन जाए, मनुष्य की हड्डियों का जुड़ना, नाखूनों की वृद्धि, बालों की वृद्धि, गांव का भरना, ये सब क्या हो जाएंगे, पुनरुद्भवन के एग्जाम्पल होगा। आप ये कह सकते हो पुनरुद्भवन में क्या होगा, एक तो क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत होगी और खोए हुए अंगों का पुनः निर्माण होगा। पहला एग्जाम्पल रहेगा प्लेन एरिया का, इसमें सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाएगी। चाकू की धार पर विभाजित होने वाला प्राणी कहा जाएगा। दूसरा है हाइड्रा में पुनरुद्भवन को अब्राहम ट्रिम्बले ने बताया। इसके हाइड्रा को 1.7 mm के टुकड़ों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक टुकड़े के द्वारा नया जीव बन सकता है। इसी प्रकार से हाइड्रा में प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन अलैंगिक जनन की विधि मानते हैं। छिपकली की पूंछ, तारा मछली की भुजा, सेलामेंडर का पैर कट जाए तो इनसे वापस नया वंश आता है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य में हड्डियों का जुड़ना, नाखूनों की वृद्धि, बालों की वृद्धि, गांवों का भरना, ये सब क्या होता है, एग्जाम्पल आ जाएंगे। यहाँ पर अपन ने प्लेन एरिया का डायग्राम बना रखा। प्लेन एरिया को अपन ने तीन भागों में तोड़ा है और तीन भाग के द्वारा वापस पुत्री प्लेन एरिया बन गया। इस प्रकार से पुनरुद्भवन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला पॉइंट आएगा बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन। कौन सा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट आएगा ना, बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन। तो जो बीजाणु बनते हैं वो पौधों में बनते हैं। बीजाणु किसमें बनते हैं, पौधों में बनते हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है, जो पौधे हैं उन पौधों में बीजाणुओं द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। पहला है चल बीजाणु, अपन केवल एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी, जो एनसीईआरटी में दे रखा उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे तो और अलग अलग प्रकार के बीजाणु भी होते हैं, चल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा, कोनिडिया द्वारा, और इनके अलावा भी सुप्त बीजाणु द्वारा, एकाइनिट द्वारा, और साथ में पाल मेलावस्था ऐसे, और ओइडिया द्वारा, मतलब इन तीन के अलावा भी पांच या छह प्रकार के, और पूरे टोटल पांच छह प्रकार के होते हैं, उनका भी अपन अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन ट्वेल्थ बेसिक काम कर रहे हैं, ठीक है। जो चल बीजाणु होते हैं, चल का मतलब होता है जो गति कर सकते हैं, चल बीजाणु का मतलब है जो गति कर सकते हैं, मतलब जिनमें कसाबिका पाई जाएगी, कसाबिका पाई जाएगी तो गति कर सकती है। कसाबिका क्या है, एक धागे समान संरचना होती है जो गति करने में सहायक होती है। अचल बीजाणु से मतलब है जो गति नहीं करते, जिनमें कसाबिका नहीं होती है। उसके बाद है कोनिडिया, कोनिडिया जो बनते हैं वह कवक तंतुओं में बनते हैं, कवक में बनते हैं, गोलाकार संरचना होती है जो कोनिडियम धर पर बनती है। तो अपन देखते हैं जो चल बीजाणु होते हैं अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं, जो चल बीजाणु होंगे वह अनुकूल परिस्थितियों में बनेंगे, कसाबिका युक्त तो होंगे और गमन करते हैं। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, और ये क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अचल बीजाणु से मतलब है जो कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों दोनों में बनते हैं, अनुकूल व प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में बनते हैं, इनमें कसाबिका नहीं पाई जाती है और साथ साथ में गतिशील नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगा स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, क्लियर। उसके बाद आता है कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया किस किस में बनेगा, एलगुगो में बनेगा, पेनिसिलियम में बनेगा, एस्परजिलस नामक कवक तंतुओं में बनेगा, और इन कवक तंतुओं पर क्या बनते हैं, सफेद बीजाणु बनते हैं, क्या बनते हैं, सफेद बीजाणु बनते हैं, और इन बीजाणुओं को क्या बोलेंगे, कोनिडिया बोलेंगे। और कोनिडिया, कोनिडिया नामक कवक तंतु क्या होंगे, अलग होंगे, और ये कवक तंतु अलग होकर के नए कवक तंतु का निर्माण होंगे। इस प्रकार से आपके बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। कोनिडिया अपन ने थ्योरेटिकल पोर्शन देख ही लिया था, अब कोनिडिया का अपन क्या बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। कोनिडिया एक गोलाकार संरचना होती है, जैसे ही कोनिडिया को, एल्बुगो को एक अपना अनुकूल परिस्थिति मिलती है, अनुकूल परिस्थिति मिलने के बाद वो अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के कवक तंतु का निर्माण करता है। जो एल्बुगा का जो कवक तंतु होता है उसमें पट नहीं पाए जाते, सेप्टा नहीं पाए जाते, बीच बीच में सेप्टा नहीं पाए जाते। सेप्टा से मतलब है कि इस प्रकार का कवक तंतु है, और यदि कवक तंतु में सेप्टा प्रेजेंट रहेंगे, यदि कवक तंतु में सेप्टा पाए जाएंगे तो पट पाए जाएंगे। पट पाए जाने के कारण क्या होगा, इनमें जो कोशिकाएं होंगी वो अलग अलग पाई जाएगी, एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाएगा। लेकिन जैसे ही इनमें पट अनुपस्थित होंगे, जैसे ही इनमें पट अनुपस्थित होंगे, पट अनुपस्थित होने के कारण एक ही कवक तंतु के अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाएंगे, एक ही कवक तंतु के अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाएंगे। तो इस वजह से इस प्रकार का कवक तंतु होगा वो पटहीन होगा, बहुकेंद्रकीय होगा, और ऐसी कंडीशन को अपन बोला जाता है संकोशिक अवस्था, सिनोसिटिक स्टेज। क्या बोला जाता है, जब केंद्रक बहुकेंद्रक की अवस्था में है, पट रहित हो और ये कवक में पाया जा रहा हो, ऐसी कंडीशन सिनोसिटिक स्टेज कहलाएगी। और इसमें जब कवक तंतु क्या हो जाए, उभार नुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाए, जब कवक तंतु उभार नुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसको बोला जाता है कोनिडियम धर, कोनिडियोफोर। कोनिडियम धर क्या करता है, जो कोनिडिया
कोनिडियम धर्म का मतलब है जो कोनिडिया को धारण करता हो, जिसके ऊपर कोनिडिया पाए जाते हैं उसे कोनिडियम धर कहा जाता है, जिसके ऊपर कोनिडिया पाए जाते हैं उसे कोनिडियम धर कहते हैं। कोनिडिया प्रेजेंट है, लेकिन इस पर जो कोनिडियम धर पर जो कोनिडिया पाए जा रहे हैं वो तलाभिसारी क्रम में पाए जा रहे हैं, मतलब छोटे कोनिडिया नीचे पाए जाते हैं, बड़े कोनिडिया ऊपर पाए जाते हैं, या कह सकते हैं बड़े कोनिडिया से छोटे कोनिडिया एक विशिष्ट अरेंज में रहते हैं, एक विशिष्ट व्यवस्था में पाए जाते हैं, उसको तलाभिसारी क्रम कहते हैं। जब ये कोनिडिया अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, वापस नए अनुकूल परिस्थितियों में जाते हैं, तो कोनिडिया अंकुरित होते हैं और वापस नए कवक तंतु का निर्माण होते हैं। और जो अपने डायग्राम दर्शा रहा था वो एलबुगो का कवक तंतु कोनिडिया को दर्शाता। ध्यान में रखना, एलबुगो एक विशिष्ट प्रकार का कवक है जो सरसों के पत्तों पर पाया जाता है। सरसों में जो सफेद लाइक स्ट्रक्चर बनती है ना, तो वो एक प्रकार के एलबुगो के संक्रमण के द्वारा बनता है। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया ना? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट आएगा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अगला पॉइंट आएगा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन को बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब जब किसी भी पादप का कायिक भाग जो अलैंगिक जनन कर सकता है, पादप का कायिक भाग जो अलैंगिक जनन कर सकता है उसको अपन बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाली संरचना को कायिक प्रवर्ध कहते हैं। कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाली संरचना को कायिक प्रवर्ध कहते हैं। जैसे आलू का जो अपन बोते हैं, आलू को जो बोते हैं वो एक भाग कायिक प्रवर्ध हो जाएगा। प्याज को भी अपन बो सकते हैं तो वो भी कायिक प्रवर्ध हो जाएगा। अपन जो अदरक होता है उसको भी बो सकते हैं तो भी कायिक भाग हो सकता है। मतलब ये सब संरचना है जिसको अपन नया पौधा बना सकते हैं, वापस उससे नया प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, वो सब कायिक प्रवर्ध कहलाएगी। तो अपन ध्यान में रखना, जो कायिक जनन होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक कायिक जनन होता है और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन होता है। प्राकृतिक जो कायिक जनन होता है उसको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है, कृत्रिम कायिक जनन को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। ठीक है, अब प्राकृतिक कायिक जनन से मतलब जो प्रकृति में होता है, प्राकृतिक जो अपना आप ही होता है जिसमें मनुष्य इन्वॉल्व नहीं होता। प्रकृति में क्या होगा, जैसे जड़, जैसे शकरकंद को अपन ने बो दिया तो अपना आप शकरकंद उग जाएगा, शकरकंद की जड़ों को बोएंगे तो शकरकंद उग जाएगा, शीशम की जड़ों से वापस नया पौधा बन सकता है, सतावा डहेलिया। मतलब जड़ द्वारा भी कायिक जनन होता है। आपने कभी कभी देखा होगा जो शीशम का पौधा होता है उस शीशम के पौधे के आइड साइड पर, किनारे पर शीशम की जड़ों से नए नए पौधे बन जाते हैं। यह आपको बारिश के सीजन में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो आप कह सकते हो जड़ द्वारा भी कायिक जनन होगा। उसके बाद पर्ण द्वारा कायिक जनन, पत्ती द्वारा कायिक जनन। पत्ती में क्या होगा, एक प्लांट होता है ब्रायोफिल्लम को बोला जाता है पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा की जो पत्ती होती है ना उसमें खांचे पाए जाती है। पत्थर चट्टा की पत्तियों में क्या पाई जाती है, खांचे पाए जाती है। और इन खांचों में विशेष प्रकार की पर्व संधियां पाई जाती है, पर्व कलिकाएं पाई जाती है। वो कलिकाएं क्या होती है, जैसे ही जमीन पर गिरेगी तो जल अवशोषण करेगी, जल अवशोषण करने के बाद में वापस नया पौधा बनाएगी। क्योंकि बुक में ब्रायोफिल्ला मतलब पत्थर चट्टा का एग्जाम्पल दे रखा, पत्ती का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, पर्ण द्वारा कायिक जनन। ठीक है, उसके बाद पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा। तो पत्र प्रकलिका एक विशिष्ट प्रकार की जनन संरचनाएं होती है, कलिका के समान संरचनाएं होती है। इनमें भी आपको प्राकृतिक कायिक जनन देखने को मिलेगा, डायोस्कोरिया, लिली, अगेव और ऑक्सेलिस। अब आता है तने द्वारा कायिक जनन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पादप के अधिकांश भाग
तने को ही बोया जाता है, तने के द्वारा नया पादप का निर्माण हो जाता है। जैसा गन्ने को बो तो गन्ने से वापस गन्ने का निर्माण हो जाता है, आलू को बो तो आलू के द्वारा वापस आलू का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार से पुदीना को बो तो वापस पुदीना का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बीज इतने देखने को नहीं मिलेंगे, होने में सब पुष्पीय पौधे हैं। जैसे आलू बनता है उसमें पुष्प का निर्माण होता है, आलू में पुष्प का निर्माण होता है, लेकिन पुष्प ऊपर बनते हैं, लेकिन जो आलू बनता है वो नीचे की ओर बनता है। तो भूमिगत तने में ध्यान रखना, तने के द्वारा जो कायगलन होगा वो तीन तरह से हो सकता है, भूमिगत तने होंगे, अर्धवायवीय तने होंगे और वायवीय तने होंगे। क्लियर? जो भूमिगत तने होंगे वो चार प्रकार के होंगे, कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। जो कंद होगा उसको ट्यूबर बोला जाएगा, प्रकंद को राइजोम बोला जाएगा, घनकंद को कॉर्म बोला जाएगा और सलकंद को बल्ब कहा जाएगा। ध्यान में रखना, बल्ब इससे बोला गया है क्योंकि बल्ब के समान संरचना होती है, लट्टू के समान संरचना होती है, इस वजह से सलकंद इस वजह से बोला गया है क्योंकि इनकी जो ऊपर जो संरचना पाई जाती है सलकंदनुमा संरचना पाई जाती है, आउटर कवरिंग जो सफेद सफेद रेड रेड कलर की जो लहसुन होता है उसमें सफेद सफेद जो कलर की संरचना होती है, जिनको अपन साफ करते हैं बाहर निकालते हैं वो सल्क का होते हैं, इस वजह से सलकंद का लाया। तो कंद में आलू और हाथी चौक इनको सम्मिलित किया जाएगा, प्रकंद में अदरक, हल्दी, कमल, ठाइपा और एग्जाम्पल होते हैं, घनकंद में जमीकंद, अरबी, केसर, ये सब घनकंद के उदाहरण होंगे, सलकंद में आएगा प्याज और लहसुन, ये दोनों सलकंद के उदाहरण है। फिर आता है अर्धवायवीय तने, यहाँ पर भूमिगत तने इस वजह से बोला गया है क्योंकि ये सब भूमि के अंदर पाए जाते हैं, भूमि के बाहर नहीं बनते, मतलब ऐसे तने जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं वो भूमिगत तने कहलाते हैं। अर्धवायवीय तने का मतलब है ऐसे तने जो आधे भूमि में रहते हैं आधे बाहर रहते हैं, मतलब भूमि पर और साथ साथ में वायवीय दोनों कंडीशन पाई जाती है। मतलब अर्धवायवीय तने भी चार प्रकार के होते हैं, ऊपरी भूस्तारी, अंत भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारी का। तो क्या हुआ, अर्धवायवीय तने चार प्रकार के, अंत भूस्तारी मतलब रनर, मतलब दौड़ते हुए चलते हैं, रनर का मतलब होता है दौड़ते हुए। आपने कभी कभी जो मेड़ बंदी वाला इलाका होता है, मेड़ होती है जो आपकी जो जमीन होती है उस पर मेड़ पाए जाते हैं, उस पर जो घास उगती है, जो घास उगती है उसको बोला जाता है धूप घास। वो धूप घास क्या करती है, जमीन पर ऐसे रेंगती भी चलती है। जो आप गार्डन में जो घास बोते हो वो भी धूप, वो भी ऊपरी भूस्तारी से संबंधित होती है। उसमें क्या होता है, तना रेंगते हुए चलता है, जिसमें क्या होगा, जो भी तना होगा वो तो जमीन की सरफेस पर पाया जाएगा, जमीन की सतह से जुड़ा रहेगा और जड़ें नीचे की ओर पाई जाएगी। ऊपरी भूस्तारी मतलब रनर, रनर मतलब दौड़ते हुए। इसमें एग्जांपल सेंटेरा ऑक्सेलिस दुगास रहेगा। अंत भूस्तारी मतलब जिसमें तना अंदर की ओर रहेगा, तना अंदर की ओर भी रहेगा और बाहर की ओर भी रहेगा, थोड़ा अंदर की ओर कुछ बाहर की ओर, जिसमें एग्जाम्पल हो जाएगा पुदीना और गुलदावरी। उसके बाद है भूस्तारी, भूस्तारी का एग्जाम्पल होगा स्ट्रॉबेरी, वेलिस्नेरिया। उसके बाद भूस्तारिका, भूस्तारिका को कहा जाता है भैया ओपसेट, और ये भूस्तारिका जो वाली कंडीशन पाई जाती है आपको जल में देखने को मिलेगी। भूस्तारिका को जलीय रनर भी बोल सकते हो, जल में रेंगने वाला, जल की सतह पर तैरने वाला। ध्यान में रखना, एक प्रकार का भूस्तारी का एक प्रकार का रनर है, एक प्रकार का ऊपरी भूस्तारी की से रिलेट कर सकते हो। जलकुंभी होती है ना, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये जल की ऊपरी सतह पर रेंगते हुए चलता है, रनर करता है। और ध्यान में रखना, जलकुंभी में क्या होता है, पत्तियां ऊपर की ओर पाई जाती है और जो भी तना होता है वो जमीन जल की सरफेस पर पाया जाता है और जड़ें नीचे की ओर पाई जाती है। जलकुंभी क्या होता है,
जो भी तालाब होते हैं उन तालाबों को पूरा गंदा पूरे तालाब को घेर लेता है, और तालाब को घेर लेने से क्या होगा, उसमें प्रकाश अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और प्रकाश अवेलेबल नहीं हो पाएगा, साथ में जो तालाब की जितनी भी ऑक्सीजन है प्लांट ग्रहण कर लेगा। अब प्लांट ग्रहण करने के बाद जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जल सड़ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, जल में दुर्गंध आने लग जाएगी, और जल में दुर्गंध आने से पूरा जल पूरा तालाब खराब हो जाएगा। जलकुंभी एक प्रकार से बहुत खतरनाक अलैंगिक जनन करने वाला है, बंगाल का आतंक कहलाता। पिस्टिया को जलीय सलाद कहा जाता है, पिस्टिया को क्या बोला जाता है, जलीय सलाद कहा जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है वायवीय तले। वायवीय तले का मतलब जो होता है जो कि भूमि के अंदर भी नहीं पाए जाते, आधे वायव्य कुछ आधे वायव्य आधे भूमि, वायव्य का मतलब टोटली तना भूमि के ऊपर की ओर पाया जाएगा। जैसे आप गन्ना बोल सकते हो, गन्ना में क्या होगा, गन्ना में क्या होगा भैया, जिसमें ऊपर की ओर नोड और इंटरनोड पाई जाएगी, पर और प्रवसंध्या पाई जाएगी, उन तने को काट करके वापस गन्ने से वापस गन्ना बनाया जा सकता है। इस प्रकार से प्राकृतिक कायजनन कौन कौन सी विधियों के द्वारा हो सकता है, कौन कौन से प्रकार के द्वारा हो सकता है, जड़ के द्वारा, पर्ण के द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, तने के द्वारा, तने में भी भूमिगत तने, अर्धवायवीय तने, वायवीय तने, और भूमिगत तने में भी कंद, प्रकंद, घनकंद, सल्क कंद, अर्धवायु में भी ऊपरी घुस्तारे, अंत घुस्तारे, भुस्तारे और भुस्तारिका, और वायवीय तने में नाग फनी। ठीक है, कृत्रिम कायजनन आपके बुक में नहीं दे रखा है, इसको याद करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक है, ये नीट लेवल के हिसाब से रहेगा। कृत्रिम कायजनन में अलग आपके सूक्ष्म प्रवर्धन जरूर है जो आगे देखने को मिलेगा। सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब है कम जगह में अधिक से अधिक पौधों का निर्माण करना। सूक्ष्म प्रवर्धन ऑर्किड ग्लेडियोलस गुलदावरी में देखना पड़ेगा, गुलदावरी में देखना पड़ेगा। कर्तन का मतलब तो कटिंग करना, मतलब आप जड़ को काट करके वापस उससे नया पौधा बना सकते हो। जैसे गुलाब की जो रूट स्टेम होता है, तना होता है, उसको काट करके वापस नया पौधे का निर्माण कर सकते हो। यहाँ पर कृत्रिम विधि है, कर्तन मतलब कटिंग करके नया पौधा बनाना। जैसे रूट कटिंग, जड़ कटिंग करके भी आप नींबू को, संतरा को, जामुन को, रसबरी को काट करके आप नया पौधा बना सकते हो। जैसे स्टेम कटिंग मतलब तना की कटिंग करके आप क्या कर सकते हो, गुलाब को काट करके नया पौधा बना सकते हो, गन्ने को काट करके नया पौधा बना सकते हो, सिट्रस अंगूर छाय बोगेनविलिया को में से भी तना काट करके लगा देते हैं, उससे नया पौधा बन जाता। अब आता स्तरण, लहरिंग करना। पहला है दाब लगाना, वायु स्तरण करना। दाब लगाने से मतलब है जब कोई पौधा की शाखा जमीन के पास में हो उसको थोड़ा दबा दो, जमीन के अट्टे संपर्क में ला दो, और उसके ऊपर कुछ मिट्टी विट्टी लगा डाल दो, जिससे क्या होगा उसमें जहाँ भी पर्व और पर्वसंधि होगी वहाँ से क्या होगा जड़ों का निर्माण हो जाएगा, और उसको नए पादप से अलग करके, उस पादप से अलग करके नया पादप बना सकते हो। दाल लगा कर चेरी, स्ट्रॉबेरी, सेब और जासमीन। वायु स्तरण का मतलब होता है कि जो पौधा की शाखा ऊपर रहेगी, ऊपर रख करके ऊपर क्या कर देंगे, वहाँ पर थोड़ा छेद उसमें चारों ओर ऐसे काट करके ये वाले स्ट्रक्चर बना देंगे। ये वाला तना है, इसको ऐसे बीच में से काट देंगे, काट करके बीच में से ऐसे वाले स्ट्रक्चर बना देंगे, और फिर इसमें मॉस वॉस ऐसे स्ट्रक्चर भर देंगे, और इसको फिर बांध देंगे। ये थोड़ा वाला आपके वायु स्तरण का मतलब होता है जिसकी शाखा नीचे नहीं झुक सकती है उसको ऊपर की ओर उसमें ऐसे विशिष्ट प्रकार की संरचना बनाएंगे, उसको पूरी तरह से वलयाकार काटेंगे, वलयाकार काट करके उसमें मोस जल ऐसे विशेष पूरा का पूरा या बोरी से पट से बांध देंगे, और पट से बांध करके ऊपर अपन मटका लटका देंगे, पानी का जैसे ऊपर मटका लटका देंगे तो ऊपर से जैसे शंकर भगवान के ऊपर गर्मी में अपन क्या करते हैं पानी का मटका रखते हैं ना, तो अपना टिप टिप करके पानी आता रिसता रहता है, तो वहाँ पर पानी रिसता रहेगा, पानी रिस करके उनसे जड़ों का निर्माण हो जाएगा, तो वायु स्तरण वायु में होगा। और यहाँ पर लीची, अनार, गुड़हल, संतरा, नींबू में आप वायु स्तरण कर सकते हो। फिर आता अध्यारोपण, ग्राफ्टिंग करना। अध्यारोपण का मतलब होता है दो पौधों को आपस में जोड़ना।
जैसे तना काटा, कोई पौधा काट दिया, काट करके उसके ऊपर कलम लगा सकते हो, उस पर नया पौधा रोप सकते हो उसमें छेद करके, और दोनों को बांध दो और बांध करके भी नया पौधा बना सकते हैं। अध्यारोपण करना मतलब दो चीज का ग्राफ्टिंग करना, जिसे जिब्बे अध्यारोपण होगा, वेज अध्यारोपण होगा, मुकुट अध्यारोपण होगा और कलिका अध्यारोपण होगा। इस प्रकार से आपका कृत्रिम कायिक जनन भी कंप्लीट हुआ और प्राकृतिक कायिक जनन भी कंप्लीट हुआ। थोड़ा बहुत तो इनके बारे में लिखवा देंगे।